आवाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई गंगाराम। गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम। अरे तो गुस्सा काहे करते हैं, आसपास कोई हजाम नहीं मिला, गांव में तो हम हजाम से ही बनवाते थे दाढ़ी। तो अपना सामान खरीदो। अरे तो खरीद लेंगे, फिर हमें काम तो मिलने दीजिए। गंगा भैया को कुछ ना कहिएगा। कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ उसका सामान उठाए के बाहर फेंक देंगे। अरे हमारा अंगूठा कहाँ है रे? अंगूठा यूं तो हम लपेटे हुए हैं, ये देखिए। अरे ससुर के नाती अंगूठा नहीं लपेटे हो, हमारी जिंदगी लपेट ली हो। अरे हमको जब भौजी पसंद पड़ गई है तो भौजी के हाथ का सब कुछ पसंद है। काहे एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग नहीं सीखेंगे तो एक्टिंग नहीं आएगा का? ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग बॉर्न एक्टर होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बनाने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी अच्छा एक्टिंग स्कूल का पता बता सकते हैं? मैं पढ़े लिखे नहीं है। क्या तुम अनपढ़ हो? अच्छा अच्छा 20,000 है? नहीं वो भी नहीं है। तो फिर भागो यहाँ से, न विद्या न धन, चले आए एक्टर बनने। हमारी मेहरारू गंगा राम को यहाँ से जाने नहीं देगी और हम उसको यहाँ ठहरने नहीं देंगे। ऐसे कौन से अचूक उपाय है कि गंगाराम यहां से चला जाए? पूछना पड़ेगा किसी से। ए फुलवा भैया घर में है का? अरे आवा आवा राम मिलन, कैसन हो? ठीक है, भौजी घर में नहीं है का? अरे भौजी तनी गई है भाजी लाने, अभी ना आ जाएगी। बैठो बैठो। हाँ बैठो। फुलवा भैया, जो मोहन साहब के यहाँ काम से भेजे रहे ना, वो हमारे काम से बहुत खुश है। अरे हम जानते हैं। वो हमसे भी। हमसे कह रहे थे। हाँ, हम कह दिए, फुलवा का काम एकदम फिट होता है, आदमी भी बढ़िया और कारीगर भी बढ़िया। अच्छा फुलवा भैया, गांव कब जाए के विचार है? अरे भैया हमेशा ही जाना चाहते है, पर कौन अड़चन बीच में आ ही जाती है। अब तो साहब का पिक्चर खत्म होगा ना, तभी ना जाएंगे। एक बात बोले फुलवा भैया। अरे काहे दो बोल। अरे परदेश में आके आदमी न घर का रहता है न बाहर का। गांव जाओ तो फुर्सत ही फुर्सत, और यहाँ आओ तो काम ही काम। एक काम करते हैं, इस बार अपन दोनों साथ ही चलते हैं। बोल कब जाएगा गांव? अरे फुलवा भैया, हम जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो गांव से हमारे सिर पर एक मुसीबत आन पड़ी है। हम सोचे कि चल के फुलवा भैया से सलाह मशवरा कर ले। अच्छा हुआ घर में मिल गया भाई। कौन मुसीबत आन पड़ी? अरे तुम्हारे भौजाई के भाई के ससुर अपने गांव से एक ठो आदमी को पठाए हैं चिट्ठी लेकर। गंगापुर से? हाँ, गंगापुर से गंगाराम आधम के यहाँ, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे और हमारी छाती पर चक्की चलाएंगे। ये तो बढ़िया है, फिल्म का टाइटल हुई गवा, गंगापुर का गंगाराम। अरे भाई तुम उसे पूछे ना ही कि उका नाम गांव के नाम के ऊपर पड़ा है कि गांव का नाम उके ऊपर पड़ा है। देखो फलवा भैया, ये मजाक के बखत नहीं है, ये जबरदस्ती के मेहमान से हमरा पीछा छुड़वाओ और कोनो तरकीब निकालो। हाँ, हाँ। देखो तुम उके पूछे नहीं कि आया काय खातिर है बम्बई? फिल्म में हीरो बनने आए हैं। हाँ? बहुत बढ़िया यार, गंगापुर के गंगा राम में गंगा राम टाइटल रोल। फुलवा भैया ये हंसना बंद करो, कोई उपाय सोचो। वो गांव में तो वह नौटंकी करता रहा और यहाँ शाहरुख खान बनने आया है। एक बात कहें, छोकरा है बड़ा हिम्मत वाला। हा? गंगापुर से सीधा फिल्म सिटी में। अरे यहाँ बड़े बड़ों के चक्के छूट गए और वो आवा है हीरो बनने। अरे निकाल बाहर कर ससुर को लात मार के। अरे इतना आसान होता फुलवा भैया तो तोरे पास क्यों आते हैं? तोरे भौजी के नैयर के रिश्ते वाले का मामला है, जैसे हम निकालने की बात करते हैं ना, तोरे भौजी का पावर चढ़ जाता है। मतलब मामला गंभीर है, मगर फिक्र करो, वो कभी रास्ता है हमारे पास है।
फार्मूला नंबर 36। राम राम मौजी। राम राम भाई साहब। अरे भाजी के खातिर भेज रहे हैं, तू खा लिया चली आई? मैं भाजी लेने कहाँ गई? मैं तो भौजी के घर गई थी। चाय पिलाए? नहीं। अरे तो फिर हम लोगों चाय पिला दे। अच्छा। ये फुलवा हाँ, ये 36 नंबर वाली का बात रही? हाँ, पहले बता कि शिवरात्रि कब है? का है? कल ही तो है। कल ही है ना? हाँ। तो बस फिर हम भांग और ठंडाई लेकर तोरे घर पहुंचेंगे। देख फुलवा, ये भांग और ठंडाई को छोड़ो और ये पनौती के हमरे घर से बाहर निकालो। अरे हाँ हाँ बाबा, शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम तोरे घर आकर ऐसा मंत्र फेरेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सच लो भैया? हाँ। तो समझ लो कि ठंडाई या भांग हमारी तरफ से। हाँ, तनी सी मिठाई भी रख लेना। वो भी ले आएंगे। और एक काम करना, भौजी को और बच्चों को कहीं बाहर भेज देना। वो भी भेज देंगे। उसके बाद देखना कैसा नाटक जमाते हैं हम। वाह फुलवा भैया वाह। लो, सुबह से चिल्ला रही थी मंदिर जाना है, जल्दी आना जल्दी आना है। अब हम जल्दी आ गए तो तुम देर लगा रही हो। तो क्या हुआ, काहे इतना उकता रहे हैं? हाँ, भगवान कहीं भागे जा रहे हैं का? अरे भगवान नहीं भागे जा रहे हैं, पर मंदिरवा तो बंद हो जाएगा कि नहीं? आज तो मंदिर रात भर खुला रहेगा, रात भर पूजा पाठ भजन कीर्तन जो होगा। अच्छा, तो मन लगा के पूजा पाठ करना कोनो जल्दी नहीं है, हम खाना देर से खा लेंगे। वो काहे कि फुलवा आ रहा है ना, हम दोनों मिलके ठंडाई बना के पिएंगे। अच्छा, तभी हमको भगाया जा रहा है। ठीक है, हम जाते हैं। अरे हाँ सुन लीजिए, वो गंगा भैया आएंगे हाँ पढ़ के, तो उनको कहना रसोई में नाश्ता रखा है कर ले। हाँ। बड़ी देर के गए। हाँ, हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, गंगा जैसे ही आएगा ना हम खूब खिलाए पिलाए देंगे। हैं? हाँ, हाँ, हाँ। ये प्यारे कहाँ गया है? प्यारे अपने दोस्त के यहाँ गया है जन्मदिन मनाने, बड़ी देर से लौटेगा। हाँ, तब ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है, हम जाते हैं। हाँ, देर हो जाएगी, जाओ जाओ। ओ नमस्ते भौजी। नमस्ते भैया। कहाँ जा रहे हैं? हम जरा मंदिर हो आते हैं। अब भोलेनाथ का प्रसाद हमारे वास्ते भी ले आइए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, पर हम तो सुने थे कि भोलेनाथ का प्रसाद अब घर ही में बनाने वाले हैं। मतलब आपको पता चल गया हाँ कि आपके भोलेनाथ से कुछ छुपता नहीं। चलते हैं। ए भोलेनाथ। अरे गंगा, ये किताब कापी लेकर के किधर से आ रहा? साधना जी के यहाँ से पढ़ाई करके आ रहे हैं। क्या पढ़ाई? और तू कहीं पढ़ाई नहीं कर सकते का? क्यों नहीं, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए। देखो मुन्ना भाई, ये बेहूदा मजाक हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हमारा निजी मामला है, हम नहीं चाहते कोई हमारे मामले में टांग अड़ाए, समझे? अरे काहे को बुरा मानता है, मैं तो तेरे भलाई के वास्ते बोल रहा हूँ। अब तू इधर एक्टिंग करने आया है या पढ़ाई करने? खैर चल मंदिर चलते हैं। काहे कौन पूजा पाठ का? अरे बेवकूफ, शिवरात्रि है, वहाँ फुकट में भांग और ठंडाई मिलेगी, थोड़ा तू भी चख लेना और फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे। अरे हट, हम नहीं पीते भांग भांग, हम घर जा रहे हैं, भौजी हमारा इंतजार कर रही है। है? गंगापुर के हीरो को आज ऐसी घुट्टी घोलकर पिलाऊंगा के फौरन गंगापुर का टिकट कटाई के 9:11 हो जाएगा। फुलवा भैया, काम तो हो जाएगा ना? अरे ज्यादा सोचो मत, इतने साल हम फिल्म इंडस्ट्री में का घास काटे रहे। नहीं, लाओ जरा गिलास पर दियो। इला भौजी को आने में बहुत टाइम है ना? हाँ बहुत भीड़ है मंदिर में, टाइम तो लगेगा ना। हाँ। और प्यारे भी बाहर गया है। अरे भंग का रंग जमाएंगे पाने। गंगा गया शायद। अरे गंगा। हाँ। आओ आओ, बड़े टाइम से आए हो, आ जाओ। ये फुलवा जी हैं, हमरे गांव के रहने वाले। भौजी कहाँ गई? अब भौजी गई है पूजा करने के लिए, ये फिल्म लाइन में काम करते हैं और प्यारे जो है। प्यार वारे को छोड़िए, फिल्म में। हाँ। राम मिलन हमका तोरे बारे में बहुत कुछ बताए हैं। अरे बना बना। हाँ हाँ। अरे बाबा का बूटी चलेगा ना? हाँ, आज महाशिवरात्रि है, बैठा बैठा। हमको वैसे एक न्योता और मिला था। हाँ। लेकिन हम नहीं गए। अच्छा किया, अच्छा। मतलब प्रेमी हो? चक्के देखो ठीक से बनाए कि नहीं।
अब आप कहते हैं तो ना नहीं करते, काहे कि हम फिल्म वालों को ना नहीं बोल सकते है ना। हम ऐसे करते हैं, वहाँ बाहर जाके पी लेते हैं, काहे कि हम बुजुर्गों के सामने नहीं पी सकते। अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं। ये फुलवा भैया, अरे एक गिलास में का होगा वो? अरे तू काहे फिकर करता है, एक गिलास लुटवा लेके हम जब वहीं पे चलते हैं। हाँ चलो, हाँ, चलो, 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 चलो। कहो भैया कैसी है? बहुत बढ़िया है भाई। तो और दे। नहीं नहीं बाद में, एक बात बताइए। हाँ। आप फिल्म में क्या करते हैं? करते हैं, अरे प्रोड्यूसर के खास आदमी हैं। अरे भैया हम सुने हैं कि तुम हीरो बने खातिर गांव से यहाँ आए हो। अब नहीं तो का, हम गांव की नौटंकी के बादशाह हैं। हमने सोचा और गांव वाले ने कहा कि आपका जगह बम्बई में है, यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बस हम चले आए यहाँ पर। बहुत बढ़िया किया यहाँ आके। तब हमारा गांव वाला साहब एक्टिंग बहुत तारीफ करता है। अच्छा, अरे तो आप हमारा मदद करिए ना। हाँ, पहले ही बताओ कि कुछ पढ़े लिखे है? नहीं पढ़े लिखे तो नहीं है। ई देखो भैया, ये तो सोने पे सुहागा है, अब तो तोरी मदद करना ही पड़ेगा। अगर हम तोरी मदद नहीं करेंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, घर छूट जाएगा, जवानी बर्बाद हो जाएगी। अरे क्या कह रहे हैं भाई, हमको तो आप ही का भरोसा है बस। गंगाराम गंगाराम, फुलवा भैया की बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम आएगी। फुलवा भैया अब आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। देखो गंगाराम, काम बहुत मुश्किल है, फिल्म कोई दाल भात का कौर नहीं कि चट से उठाए और पट से मुंह में डाल लिए। अरे आसमान में चमकता चांद सभी को बहुत पसंद आता है, लेकिन हाथ ऊपर उठाए तो क्या तुम उसे पकड़ पाओगे? अरे यहाँ हजारों आदमी रोज आते हैं हीरो हीरोइन बनने के खातिर, किसी को काम नहीं मिलता। सब प्रोड्यूसर के घर के चक्कर लगाए लगाए के अपना जूता घिसाई के गांव लौट जाते हैं, और जो उन बच जाते हैं वो शराब पीकर बर्बाद हो जाते हैं, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। अरे मुन्ना भाई को ही ले लो, अपने मुन्ना भाई, घर छूटा, माँ छूटी, अपनी जवानी बर्बाद हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस अब किसी भी दिन वो किसी फुटपाथ पर शराब पीकर मरे हुए पाए जाएंगे भैया। अरे भैया वो जमाना गया जब प्रोड्यूसर अनुभवी लोगों को काम देता था, अब तो सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरो हीरोइन की औलादों को ही काम मिलता है। अरे तुम तो सिर्फ गांव की नौटंकी के ही बादशाह हो, यहाँ तो कलकत्ता से, दिल्ली से, हैदराबाद से, मद्रास से, बेंगलोर से, सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, अमीर लोगों की औलादें हीरो हीरोइन का रोल करने आती है, लेकिन किसी को काम नहीं मिलता। गंगाराम अब भी वक्त है, समझ जाओ, गाँव लौट जाओ, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी माँ का ख्याल करो, बाकी बची जिंदगी में अपनी माँ की सेवा करो। जाओ गंगाराम, यहाँ भिखारी की तरह जिंदगी गुजारने से तो कहीं बेहतर है कि गांव में जाकर नौटंकी के बादशाह बनकर रहो। और देव भांग पीला गंगाराम देव। हम सब समझ गए कि हम भारी भूल कर गए थे, लेकिन भी बात गुरुजी ने हमको कहा नहीं बताई, हमारे गुरुजी को मालूम नहीं होगा भाई, नहीं तो हमको कभी बंबई नहीं भेजते। लेकिन भैया आपने हमको सच्चाई बताकर हमारी बुद्धि खोल दी। इंग्लियो गुरुजी का प्रसाद, तुरी बुद्धि और खुल गई है। जय बम बोले, गंगाराम का नसीब खोले। जय बम बोले। अब हम यहाँ भिखारी नहीं बनेंगे, इससे अच्छा तो हम गांव की नौटंकी के बादशाह बने रहेंगे। राम मिलन भैया, हमारे टिकट कटाओ। हाँ, टिकट कटाओ, टिकट कटाओ, ले मिठाई खाओ। हाँ, मिठाई लाओ, खाओ, हम भौजी का फल भाई, भौजी का। हम बुलाएंगे गिलास को। हम गंगापुर जाएंगे भाई, हम गंगापुर जाएंगे। अरे हमको नहीं रहना बम्बई, हम गंगापुर जाएंगे। अरे हमको नहीं रहना। फुलवा भैया सारी मेहनत बेकार चली गई,
सब खाली कर दिया, अब हम कब पिएंगे? अरे भैया मेहनत कोनो बेकार नहीं गई, मेहनत तो कामयाब हो गई। और पीसना पड़ेगा ना? अरे पीसना पासना छोड़ो, मंदिर चलते हैं, वहाँ माल तैयार मिलेगा। ऐसा का तो चलो। गंगा हुआ औंधा पड़ा है, क्या बात है? कुछ नहीं, खाए पी के सो गया है। आप कहाँ चल दिए, इले प्रसाद लो। अरे यही प्रसाद के खातिर तो हम मंदिर जा रहे हैं। चलो फुलवा आ जा। चला जय सरस्वती माई। ओ मैया, अब हम गांव वापस जा रहे हैं। फिल्म विलम सब सपना है माई, सब सपना है। अब सपना के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम गंगापुर का गंगाराम, नौटंकी का बादशाह, यहाँ नहीं रहेंगे। अपना जिंदगी हम यहाँ बर्बाद नहीं करेंगे भाई। हम गांव वापस जाएंगे, यहाँ बम्बई में नहीं रहेंगे। गंगाराम माई। ओ गंगाराम माई। अरे गंगाराम कहाँ हुआ भैया? हाँ कहाँ हुआ? प्यारे के बाबूजी ने कुछ कहा क्या? अरे ओ गंगाराम। अरे बाबूजी, प्यारे के बाबूजी ने कुछ कहा क्या? गंगाराम बोलो बाबूजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे मगर काहे, ये अचानक का हुई गवा गंगाराम? जरूर कोनो मंदु खाने वाली बात हुई गई है। तुम को हमारी कसम है, हमको बता दो गंगाराम का हुआ। वो फुलवा, वो फुलवा, वो फिल्म लाइन का आदमी है। वो हम सबको बताया कि फिल्म लाइन में क्या होता है। अब हमको मालूम पड़ा कि रामलन भैया काहे हमसे कह रहे थे कि कहाँ जाओ, कहाँ चले, कहाँ वापस कहाँ बच जाओ। माई हम बहुत बड़ा गलती की है, हमको माफ कर दो माई। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई। हम गांव को चले जाएंगे। मतलब हमारी गैरहाजिरी में दोनों मिलकर पट्टी पढ़ाई ने। हाँ ए भैया, ए भैया चुप हो जा, आज परब का दिन है, दुखी मत होना। भोलेनाथ साहब ठीक कर देंगे। हाँ मैं प्रसाद लाती हूँ। हाँ चलो प्रसाद खाएंगे। प्यारे प्यारे मैं प्यारे गाँव। अब क्या हुआ, प्यारे घर बना ही है, देर से लौटेगा, कहाँ चाहिए? मिठाई खाने माई। मिठाई? हाँ ये लो ये लो मिठाई, मिठाई पसंद है, मिठाई खा लो। अब ला मिठाई। क्या हुआ? हाँ फंस रहे माई। काकड़ी शिवरात्रि के दिन हमारा माँ हमको मिठाई खिला दी थी, ऐसे याद तू हमारा माई, हमारा पार्वती माई। हाँ। हमारे सरस्वती माई, माई की याद आ रही है। हमारा सीता माई, हम तुम्हारे लक्ष्मण है माई। हम तुम्हारे लक्ष्मण है माई, तुम हमारे लक्ष्मण। अब हम देखते हैं हमारे लक्ष्मण को कौन गाँव भेजता है। अरे ये क्या कर रहे हो दोस्त? गांव वापस जा रहे हैं। अरे ये यकायक क्या हो गया तुमको? यहाँ फिल्म में काम मिलना तो मुश्किल है, इस चक्कर में हमें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना है। अब मुन्ना भैया को देखो, 10 साल से यहाँ छटपटाए रहे हैं, उनको आज तक काम नहीं मिला। मुन्ना भाई क्या नौटंकी का बादशाह है? वो तो हम हैं। तो फिर मुन्ना भाई से अपनी बराबरी क्यों करते हो, अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं रखते? लेकिन फुलवा जो कहा वो तो सच ही कहेंगे ना, झूठ थोड़े बोलेंगे। फुलवा वो फिल्म वाले, वो कहाँ मिले तुम्हें? कल आए रहे यहाँ भांग पिलाने। अरे मुझे उनकी याद क्यों नहीं आई? वो तुम्हारे काम आ सकते हैं, चलो उनसे कहते हैं तुम्हें काम दिलाए। अरू का काम दिलाएंगे, वही तो हमारा हौसला पस्त किया है। ये बाबूजी का ड्रामा होगा दोस्त, पहाड़ चढ़ना हो तो ऊपर की तरफ नजर रखो। बाबूजी तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मोर्चे पर डटे रहो, इसमें अपन दोनों की भलाई है। लेकिन जब घर का मालिक ही हमको घर में नहीं रहने देता तो हम कैसे रहेंगे? अरे वो सब हम देख लेंगे, अम्मा अपने साथ है, तुम चलो मेरे साथ। अरे चलो ना आओ। तुम्हें उठ के चल दिए तो हम क्या करते, लेकिन हमको लगता है कि फुलवा भाई हमारा मदद नहीं कर पाएंगे। अरे दोस्त हमेशा अशुभ बोलते हो, हम है ना तुम्हारे साथ,
क्या होगा क्या नहीं होगा खुद ही तय कर लेते हो, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। ठीक कहते हो दोस्त, हुई है वही जो राम रची राखा। अब रात भर सोचने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रामचंद्र जी ने हमको नौटंकी का बादशाह बनाना तो हमारे भाग में लिख दिया है, लेकिन फिल्म का हीरो नहीं। गांव गांव गांव, बैल की तरह एक बार जो चीज तुम्हारे दिमाग में घुस गई बस उसी पर सर मारते रहोगे। अरे दोस्त, जो मर्द होते हैं वो पीछे नहीं हटा करते, और तुम्हारे अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, बस हौसला रखो। यार तुम नाम के प्यारे नहीं, दोस्त भी बहुत प्यारे हो। काहे कि से हमेशा से तुम हमारा भला सोचते हो, लेकिन कल जो फुलवा जी ने बात कहा वो हमको सच ही लगा। अब कल से हमको हमारा माई का बहुत याद आ रहा है। फुलवा लंपट आदमी है, उसकी बात पर जो विश्वास करे वो बेवकूफ। अरे दोस्त, हारे हुए सिपाही के बात पर कोई मैदान नहीं छोड़ता है। तुम कितना भी घुमा फिरा कर बात करो दोस्त, लेकिन सच तो यह है कि वो फुलवा के यहाँ जाने का हमारा बिल्कुल मन नहीं। पांडु पंडित जी, तो ठीक है, पहले तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने की दवा करते हैं। चलो साधना दीदी के वहाँ चलते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, आज सुबह से उनसे मिलने का हमारा बहुत मन कर रहा है। लो चलो चलो देखा जाएगा। साधना जी हैं? हाँ है। क्या बात है, तुम दोनों का मुंह लटका हुआ है? गंगाराम गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। क्यों, कोई खास जरूरत थी? आज हम बहुत निराश हैं। अचानक तुम दोनों निराश हो गए, क्या बात है प्यारे? दीदी, कल बाबूजी ने दूसरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला दी और गंगाराम फ्लैट हो गए। देखो तुम दोनों पहली मत बुझाओ, जो भी बात है साफ साफ बताओ, आओ बैठे। वो का हुआ साधना जी, कि कल राम मिलन भैया के दोस्त आ गए फुलवा जी। अब मुझे बोलने दो दीदी, फुलवा काका फिल्म कंपनी में काम करते हैं, बस अपना फिल्मी प्रवचन देकर इनका हौसला पस्त कर गए, और बाबूजी ने तो इनको ऐसा लपेटा कि ये अपना बोरिया बिस्तर लपेटने को तैयार हो गए। जरा समझाइए ना इनको। गंगाराम, आपका ये इम्तिहान है, अब आप ये बताइए कि आपको पास होना है या फेल। पास? किसको पास होना है? नौटंकी के बादशाह गंगाराम को। जब गाँव में गाँव वाले ने आपका अभिनय देखा तो इसकी तारीफ की, हौसला बढ़ाया और बम्बई भेज दिया। आज के बाद फिर कभी मैदान छोड़कर जाने का ख्याल मत रखना। ठीक है, हमको फिर हिम्मत आ गया। आ गई तो जाने मत देना, कहीं जुगनू की तरह चमक के फिर बुझ गया तो मेरा क्या होगा। कलाकार है ना, भावना में बह गए, लेकिन पढ़ लिख कर कुछ बनना है तो दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। जमुना, दो कप चाय बना। अच्छा रुको, मैं ही कुछ बना के लाती हूँ। मेरा ख्याल है तुम साधना दीदी की बात मान लो, इससे बाबूजी का नाटक भी बंद हो जाएगा और अपने काम में रुकावट भी नहीं आएगी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन राम मिलन भैया जब हमको घर से निकालेंगे तब ना हम निकलेंगे। अरे घबराओ मत, वो दिन भी जल्दी आएगा। तो ठीक है, जैसे बजरंग बली की इच्छा, लेकिन एक बात बताओ अब कहाँ चलेंगे? आज देर हो गई, कल सुबह पहले फुलवा का घर चलते हैं। अरे हट, फुलवा के हम नहीं जाएंगे, उस ससुराम को भांग पिला के घर से निकलवाना चाहता है। अरे दोस्त, अब उसी से तुम्हारे लिए फिल्म का रास्ता खुलवाऊंगा। चलो तो सही, फिर देखो मेरा कमाल। उससे खुलवाएंगे? हाँ। तो चलो। अरे रुको तो, चाय तो आने दो। अरे हाँ, कुछ बना के भी ला रही है। किडोड़े यार, क्या करूं मैं। अरे नौटंकी का बादशाह, हम तुमको मुंबई में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, किधर है तुम यार? हमको काहे? अरे तुम बोला था ना हमारी फिल्म को फाइनेंस करेगा और उसका सोच के जवाब देगा, आज तक कोई खबर नहीं आया। क्या बात है, हम अपनी फिल्म में तो एक सेकंड लीड का रोल भी तुम्हारे लिए बना के रखा यार। वो क्या है पुंजानी साहब, हमने सोचा आपके फिल्म फाइनेंस करने से अच्छा है खुद ही फिल्म बना ले। अरे चढ़िया हो गया क्या, तुम और फिल्म बनाएगा बिक जाएगा। अरे फिल्म बनाना कोई भजिया पाव खाना नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तजुर्बा चाहिए, मेहनत चाहिए। अरे नहीं पुंजानी जी, ये प्यारे मजाक कर रहा, दरअसल हमारे पास फिल्में लगाने के लिए पैसा ही नहीं है। और होते भी तो हारे हुए घोड़े पर हम जुआ नहीं खेलते। अरे हमारी बात गौर से सुन लो, इस फिल्म लाइन में दो आदमी को ही काम मिलता है, जो पैसा लगाता है या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या हीरो का बेटा या बेटी होता है उसी को काम मिलता है। वो तो पन्नालाल ने तुम्हारा सिफारिश किया, हम समझा बड़ा मजबूत पार्टी होएगा, पर मेरे को क्या मालूम तुम इतना कड़का होगा यार। वो क्या है, पन्नालाल जी ने भेजा इसलिए हम तुम्हारे पास गया, नहीं तो तुम जैसा कड़का प्रोड्यूसर के पास गंगाराम जैसे कलाकार जाए ये उसकी तौहीन है। और जो प्रोड्यूसर पार्टी से पैसा लेकर फिल्म बनाने की बात करता है वो चीटर है, धोखेबाज है। अरे तुम हमको कड़का बोला, धोखेबाज बोला, चीटर बोला, हम देखता है तुम दोनों को फिल्म लाइन में काम कैसा मिलता है,
साला हमको मामा समझता है। यार एक बात तो है, जो जो बात फुलवा कहे तो वो ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि बिना पहचान और पैसे के यहाँ काम नहीं बनेगा। तो क्या जिसके पास पैसा या पहचान नहीं है उसको काम नहीं मिलता है? लेकिन यार अगर लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब चलो नहीं तो फुलवा कहीं और चले जाएंगे। नहीं हम बाद में चलेंगे यार, पहले पान खाते हैं, हमको बहुत लत लग रहा है। ये सुनो, पान की दुकान इधर है। अरे कहाँ? इधर। अरे गंगा प्यारे, सुबह सुबह चाय नहीं पीते, तुम दोनों पान ही खाते हो? अरे हमारी चोड़ी, आप बताइए आज रंग बिरंगे कपड़े पहने फिर किससे मिलने चले? आज अपुन को राकेश रोशन ने बुलाया है अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने के लिए। गंगा, कल दारू पीकर तुम्हारी बात पर बहुत देर तक सोचता रहा। तुम्हारी बात में दम है बाप, पर अपुन के दिमाग में बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे तुम पढ़ाई करके ठीक काम कर रहे हो। मुन्ना भाई, क्या ठीक है और क्या गलत है ये तो ऊपर वाला जाने, हमारे समझ में जो आया हम कह दिए। आज तुम लोग स्ट्रगल करने कहाँ जा रहे हो? फुलवा भाई कहाँ जा रहे हैं? फुलवा वो स्पॉट बॉय। अरे वो क्या काम दिलाएगा तुम लोगों को? ऐसे छोटे लोगों से मिलकर अपन का टाइम बर्बाद मत करो। मिलना है तो किसी बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलो। मुन्ना भाई, जो काम सुई करती है वो तलवार नहीं कर सकती है, और कभी कभी छोटे लोग भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं। चलो दोस्त, हमें देरी हो रही है। चलो। अरे वाह, भलाई का तो जमाना नहीं, सही बात बोला तो अपन को सुना दिया। अरे कलाकार पान तो ले आओ। गंगापुर का गंगा राम, गंगापुर का गंगा राम, एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए ना गंगा राम।